हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द मिशन डेवलपमेंट में आपका स्वागत है। मिलेट सोनी डिजिटल मार्केटर। आज हम आ गए फेसबुक एड्स कोर्स के लेसन 38 में। हम समझेंगे फेसबुक एड्स में कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। अक्सर आपने देखा होगा जब भी फेसबुक एड्स की बात आती है तो हमें बहुत छोटी छोटी चीजों का और बेसिक चीजों का ध्यान रखना होता है। तो चलिए, कैंपेन बजट भी उससे रिलेटेड है। चलिए इसके बारे में कम्प्लीटली प्रैक्टिकल तरीके से बात करते हैं। हेलो दोस्तों, जैसे हम आ गए facebook.com में और यहाँ पे हमारी आईडी खुल जाती है डमी आईडी सिमारी के नाम से, और यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सी पोस्ट और से ग्रुप्स के लोग यहाँ पे फोटो शेयर करते हैं। इसी के साथ ही स्पॉन्सर चीजें भी आपको दिख रही होगी। तो चलिए, कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं एड्स मैनेजर की, तो हम यहाँ पे न्यू टैब ओपन करेंगे जिसमें हम समझेंगे कि हम कैसे बजट ऑप्टिमाइजेशन को कम्प्लीटली कर सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन की सीबीओ के बारे में पूरी कम्प्लीटली बात करेंगे। तो जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, लॉन्च हो रहा है मेटा के थ्रू एड्स मैनेजर। और यहाँ पे जब भी हम एड्स मैनेजर ओपन कर, यहाँ पर हमारा एड्स मैनेजर से रिलेटेड चीजें खुल जाती है और यहाँ पे हम कैंपेन से यहाँ पे बहुत सी चीजें हमें दिख रही होगी। तो जैसे कि हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम यहाँ पर आ सकते हैं, तो आप एड्स मैनेजर के थ्रू यहाँ पेज पर आ सकते हैं इजीली तरीके से और देख सकते हैं जो भी आप अपने एड्स चलाते हो या डिलीवर्स कर सकते हो। आप चाहते हैं ऑन ऑफ भी कर सकते हो, ये आपके हाथ में होता है। इसी के साथ ही आप डिलीवर्स, एट्रीब्यूशन, रिजल्ट, इन सभी चीजों को आप देख सकते हो। तो चलिए, हम कोशिश करते हैं कैसे हम कम्प्लीटली एक कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन का यूज करेंगे। तो जैसे हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं, यहाँ पे आता है चूज अ कैंपेन ऑब्जेक्टिव, यानी कि आपके कैंपेन ऑब्जेक्टिव क्या है। जब भी आप चूज करना चाहते हो, अपने एडवर्टाइजिंग करना चाहते हो फेसबुक, तो आपके कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो जैसे कि हमारा कैंपेन का ऑब्जेक्टिव है ब्रांड अवेयरनेस, यानी कि हमारे ब्रांड के बारे में लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाना, या फिर रीच पहुंचाना हमारे प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में लोगों तक रीच पहुंचाना, या फिर ट्रैफिक हमारे वेबसाइट, हमारे ब्लॉग के बारे में ट्रैफिक लाने के लिए हम यहाँ पे एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं, एंगेजमेंट करना, कहीं ना कहीं तरीके से ऑडियंस को हमारे पोस्ट बुलाने के लिए एंगेजमेंट करना, ऐप इंस्टॉल करवाना, हमारी खुद की वेबसाइट या ऐप है तो उसके बारे में लोगों को बताना, इंस्टॉल करवाना, वीडियोस व्यूज देना, अगर हम चाहते हैं कि हमारी वीडियो जो है वो व्यूज हो, तो इसी तरीके से हमारा कैंपेन का ऑब्जेक्टिव होता है। और भी हमारा ऑब्जेक्टिव हो सकता है, हम चाहते हैं कि हमारी लीड जनरेट हो, हम चाहते हैं कि हमारे पास कॉन्टेक्ट आ जाए, लीड जनरेशन से या मैसेजिंग हो जाए। इसी के साथ ही कन्वर्सेशन, कैटलॉग सेल्स और स्टोर ट्रैफिक, ये कहीं ना कहीं सभी चीजें हमारे कैंपेन ऑब्जेक्टिव में आती है। तो चलिए, हम बात करते हैं अपने ब्रांड अवेयरनेस से। हम ले लेते हैं ब्रांड अवेयरनेस से और यहाँ पे देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं एड्स के थ्रू पीपल, लोगों को जोड़ सकते हैं जो सबसे ज्यादा इसे पसंद करते हैं। तो कहीं ना कहीं अपने ब्रांड अवेयरनेस के बारे में लोगों तक पहुंचने के लिए हम यहाँ पे कम्प्लीटली देख सकते हैं। ऑप्शनल आप देख रहे होंगे, यहाँ पे हम लिख सकते हैं नेम योर कैंपेन, यानी आप चाहते हो यहीं से हम अपना कैंपेन का नेम लिखते हो, तो आप यहाँ पे जाके एडिट कर सकते हो, डिटेल को फिल आउट कर सकते हो, जैसे कि कैंपेन नेम लिख सकते हो, आप इसी के साथ एड सेट कर सकते हो और क्रिएट एड कर सकते हो। जैसे कि हम यहाँ पे कम्प्लीटली देखते हैं सिंपल वे में, ब्रांड अवेयरनेस पे हम क्लिक करके कंटिन्यू कर देंगे। जिसे हम कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट तरह का पेज जो है यहाँ पे ओपन हो जाएगा, जिसके आप देख रहे हो यहाँ पे कैंपेन नेम पूछा जा रहा है। जब भी आप अपना ब्रांड अवेयरनेस से रिलेटेड कैंपेन चलाना चाहते हो, अपने ब्रांड के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताना चाहते हो, तो आप इसी तरीके से यहाँ पे कैंपेन का नेम लिख सकते हो। इसी के साथ ही आपके कैटेगरीज, अगर आप चाहते हो कि आपका जो कैटेगरीज है वो डिफरेंट तरीके का, आप क्रेडिट पे करना चाहते हो एम्प्लॉयड में, या हाउसिंग, या सोशल इश्यूज, या पॉलिटिक्स पे, तो आप यहाँ पे कैटेगरीज चूज कर सकते हो। इसी के साथ ही हम जैसे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे कैंपेन डिटेल दी होती है, जैसे कि हम बैंक टाइप, हमारा जो अकाउंट है किस टाइप का ऑप्शन है। इसी तरह से हमारा कैंपेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ब्रांड अवेयरनेस, हम चाहते हैं कि ब्रांड अवेयरनेस के थ्रू आपको जोड़ करना चाहे तो हम यहाँ पे जाके एडिट कर सकते हैं। इसी के साथ ही हम नीचे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एबी टेस्टिंग दिया गया। इसी के साथ यहाँ पे कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन दिया गया, जो आज का हमारा टॉपिक है। तो हम समझ सकते हैं कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन वो होता है जिसके थ्रू फेसबुक के एल्गोरिथम और फेसबुक की जो रोबोट्स हैं वो इसी तरीके से वर्क करते हैं। जब इसे ऑन कर देते हैं तो वो सही बजट में हमारे लिए बढ़िया तरीके से ब्रांड अवेयरनेस का, ये एक बढ़िया कैंपेन का काम कर देता है। तो इसे हमेशा मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा और फेसबुक रिकमेंडेड करना चाहता है कि आप लोग ऑन इसे जरूर करके रखें, क्योंकि आपका कैंपेन बजट ऑप्टिमाइज होगा तो आप इजीली तरीके से इसमें वर्क कर पाओगे। इसी के साथ ही आप डेली बजट के थ्रू, यहाँ पे आप चाहते हो कि आपका डेली का बजट हो, तो इसी के थ्रू आप कुछ अमाउंट यहाँ पे बता सकते हो। जैसे कि हम यहाँ पे 100 रुपीज लिख देते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप देख रहे होंगे हमारा डेली बजट इस प्रकार का सेट हो जाता है। अगर आप चाहते हैं आपका डेली बजट ना हो, कि लाइफ टाइम बजट आप चाहते हो, अपने फेसबुक पे आपके हमेशा ब्रांड अवेयरनेस रिलेटेड रेट्स आते रहे, आप चाहते हो लाइफ टाइम बजट, तो हम यहाँ पे लाइफ टाइम बजट यहाँ पे लिख सकते हैं, इसी के थ्रू हम देख सकते हैं। और जैसे हम यहाँ पे लाइफ टाइम बजट में क्लिक
क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो बिड स्ट्रेटेजी, इसके बारे में हम कम्प्लीटली बताएंगे आपको। इसी के साथ ही हम यहाँ पे देख सकते हैं कैसे मोर ऑप्शंस होते हैं। यहाँ पे आप देखोगे मोर ऑप्शन में होता है एट शेड्यूलिंग, आप चाहते हो आपके एट जो है शेड्यूल पे जाए, जैसे आप चाहते हो कि वेनसडे थर्सडे हो जाए या फ्राइडे और सैटरडे हो जाए, या फिर आप संडे को छोड़ के ऑल डेज चाहते हो, तो आप इस तरह से एट शेड्यूलिंग कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं जब आप लाइफ टाइम बजट करते हो तभी आपको यहाँ पे एट शेड्यूलिंग का ऑप्शन मिल जाता है। तो इसके बारे में आपको कम्प्लीट डिटेल बताने वाले हैं। तो आई होप कि आपको कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन वाले पता चलिए होगा, जिसके थ्रू हम इजीली तरीके से अपने एड्स को सेट कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं ये हमारे डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन की चॉइस के थ्रू ही होता है। तो डिपेंड करता है हमारे जो डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन चॉइस है, बिट्स करता है, ये कंट्रोल करता है हमारे जो सबसे ज्यादा एड्स के जो खर्च होते हैं उसे हमें बचा के रखता है। तो कहीं ना कहीं बढ़िया टूल्स होता है जिसकी हमें हेल्प लेनी चाहिए। तो फर्स्टली जब भी आप अपना कैंपेन स्टार्ट करो, एडवर्टाइजिंग स्टार्ट करो, तो आपको हमेशा अपने कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन को ऑन रखना ही है, जिसके थ्रू आपके कम एक्सपेंसेस में और बढ़िया तरीके से आपको अवेयरनेस मिल जाती है। और इसी के साथ ही आप नेक्स्ट कर दोगे तो आपको न्यू तरीके से यहाँ पे पेज ओपन हो जाएगा। इसके साथ ही आप एड सेट नेम कर सकते हो, इसी साथ डायनेमिक क्रिएटिव भी समझ सकते हो, इसी के थ्रू आप सेट स्टार्ट कर सकते हो, शेड्यूलिंग की और एंडिंग कहाँ तक करनी है आपको, ये सभी चीजें आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। इसी के द्वारा आप अपने क्रिएट कर सकते हो ऑडियंस को, लोकेशन, जेंडर, एज, इन सभी के बारे में आपको कम्प्लीटली आने वाली वीडियोज में हम बताएंगे। आई होप आपको पूरी तरीके से फेसबुक एड स्टार्ट करने के लिए कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन के बारे में पूरी तरीके से पता चला होगा। विश यू द बेस्ट, थैंक यू सो मच।